प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9, 10 और 11, 12 के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। आज की प्रॉब्लम जो है वह त्रिकोणमिति से संबंधित है। हमें दिया हुआ है यदि साइन 5 थीटा बराबर कॉस 20 डिग्री और थीटा का मान जो है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो थीटा का मान क्या है। और ये प्रॉब्लम जो है वह SSC CGL टीयर सेकंड की परीक्षा में 2014 में आ चुकी है। मतलब आपको एक बात तो ये दी गई है कि आपसे थीटा का मान पूछा है। थीटा का मान जो है जो आंसर निकल के आएगा वह 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा, एक बात। दूसरी बात, ऐसा मान निकल के आएगा जो इस शर्त को पूरी करेगा। तो इस शर्त के अनुसार हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का यदि एक ही मान निकलता है तब तो वही मान मान हो जाएगा, और थीटा के अगर कई मान निकल के आ रहे हैं मान लीजिए गणना करने पर, तो हम ये देखेंगे कि उसमें कौन सा मान ऐसा है जो 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा है। यदि उसमें कोई कोण ऐसा निकल के आ रहा होगा जो 0 अंश से छोटा हो या 90 अंश से बड़ा हो तो वह कोण अमान हो जाएगा। और यदि हमने मान लीजिए एक बार में ही प्रश्न को हल कर रहे हैं और थीटा का एक ही मान निकल के आ रहा है और वह मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है तो वही मान मान लिया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए थीटा का मान 0 अंश से छोटा आ गया या 90 अंश से बड़ा आ गया और मान एक ही निकल के आ रहा है तो इसका मतलब या तो प्रश्न गलत है या आपके करने में गलती है। इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। ठीक, तो हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। हमारे लिए दिया हुआ है साइन 5 थीटा बराबर कॉस 20 डिग्री। अब इधर साइन लिखा हुआ है और इधर कॉस लिखा हुआ है, तो या तो इधर हम कॉस कर लें दोनों तरफ, इधर कॉस है इधर कॉस कर लें, या इधर साइन कर लें तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो इधर कॉस करने से कोई लाभ नहीं है ज्यादा विशेष, इधर साइन करने से लाभ है। तो एक सूत्र होता है कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो इस 20 अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 70 अंश। जब 90 अंश में से 70 अंश घटाएंगे तो रहेंगे तो 20 अंश। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न को हल करने के लिए इस 20 अंश को हमने उसका रूप परिवर्तित करके 90 अंश माइनस 70 अंश कर दिया, जिससे हम इस सूत्र का उपयोग कर सकें। क्लियर, और कॉस वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है साइन 5 थीटा बराबर कॉस 70 अंश माइनस 90 अंश कॉस 90 अंश माइनस 70 अंश। और जैसा कि आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो यहाँ पर जो है थीटा का काम कर रहा है 70 अंश। तो इससे हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी RHS में साइन 70 अंश, मतलब ये वाली राशि जो है ये साइन 70 अंश के बराबर है RHS में। और LHS में आपका जो साइन 5 थीटा लिखा हुआ था वो वैसा ही वैसा लिखा रहेगा। अब इधर साइन 5 थीटा लिखा हुआ है, इधर साइन 70 अंश लिखा हुआ है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी राशि जो है इस पूरी राशि के बराबर है। इसलिए यदि हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं 5 थीटा जो है वह 70 अंश के बराबर है। एक बात और बता दें, कभी कभी हमने देखा है बहुत से छात्र इस साइन से साइन को काट देते हैं, ये काटना गलत है। या तो आप काटिए मत बिल्कुल भी, आप या आप यहाँ पर कुछ मत लिखिए, या आप यहाँ पर लिख दीजिए तुलना करने पर, और लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए इस साइन से ये साइन काटना गलत है। आप केवल ये लिख दीजिए 5 थीटा बराबर 70 अंश और इससे थीटा का मान निकालेंगे तो ये 5 जो LHS में थीटा का मल्टीप्लाई है, जिससे ये 5 जो है वह RHS के हर में पहुंच जाएंगे। आप समीकरण को हल करना जानते ही हैं, ये एक समीकरण बन गया एक प्रकार से, आपका एक प्रकार से नहीं है ही समीकरण। तो थीटा बराबर हो जाएगा 70 अंश बटे 5। अब इसको हम इससे काटेंगे
तो हमें फल प्राप्त होगा आर आई थीटा, इसमें 14 अंश, कोई 14 5 70 होते हैं, तो थीटा बराबर प्राप्त हुआ 14 अंश, अर्थात थीटा बराबर 14 अंश प्राप्त हो गया। अब विकल्प में देखिए, विकल्प में देखते हैं हम, डी विकल्प में 14 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। पर नियमों को याद रखिए, नियमों से प्रश्न को करिए, उत्तर मिलाने का प्रयास मत कीजिए, और जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जितने आपको ज़्यादा नियम याद होंगे उतने ही आप प्रश्न को आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। मेरा आपको ये परामर्श है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और प्रश्न को हल करने का अभ्यास कीजिए। आज की बात समाप्त करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।